दोस्तों, अभी जो विवाद चल रहा था रामदेव जी का आईएमए से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, वहां पर एक चैनल में जब वो डॉक्टर लेले के साथ बात कर रहे थे, तो रामदेव बाबा ने ये कहा कि सीरियस पेशेंट आप ले लो। मीन्स उन्होंने कहा कि सीरियस पेशेंट जो है वो एलोपैथी ले ले, और जो उससे पहले के जो पेशेंट है वो हमें दे दे। तो कहने का मतलब ये है कि माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट जो है वो एलोपैथी को ना दें, वो हम देख लेंगे, बाबा रामदेव की जी का जो कहना है, और सीवियर जो पेशेंट्स हैं वो एलोपैथी देख लेगी। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार। इस बात पर डॉक्टर विश्वप राय चौधरी का कहना है कि क्या एलोपैथी के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो ये साबित करता हो, जो ये बताता हो कि सीवियर पेशेंट वो ट्रीट कर देंगे और सीवियर पेशेंट वो ठीक कर देंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर विश्वप राय चौधरी की इस पर क्या राय है। ये कंसेंसस बनने लगा है आज भी, बीच बीच में डॉक्टर एन एन मल्होत्रा जी ने भी पॉइंट आउट किया, क्यों ना हम ऐसा करें कि माइल्ड मॉडरेट केसेस आयुर्वेद होम्योपैथ वगैरह कर लें, हाँ कोई सीवियर बात आती है तो एलोपैथ कर लें। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि सीवियर केसेस वो हैंडल कर लेंगे? क्या उनके पास कोई एविडेंस है कि उन्होंने हैंडल किया है? ये व्हाट इज द बेसिस ये डिसाइड करने का, सीवियर केस है तो वो एलोपैथ वाले हैंडल कर लेंगे और माइल्ड और मॉडरेट? और ये सिर्फ मल्होत्रा जी की बात नहीं है, जितने आयुर्वेद हैं, जितने आयुर्वेद आचार्य हैं, जितने होम्योपैथ हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके भी दिमाग के बहुत गहराई तक घुसा हुआ है कि चलो भाई सिंपल केसेस तो हम सॉल्व कर लें, खांसी जुकाम बुखार ये सब हम सॉल्व कर लें, हाँ कहीं बहुत सीवियर होगा तो हम एलोपैथ में तब जाएंगे। जबकि ऐसा सच नहीं है कि वहां, क्योंकि वहां चले तो जाएंगे लेकिन जाने से आपके चांसेस ऑफ लिविंग, जिंदा रहने के, वो बढ़ने चाहिए या फिर वो घटने चाहिए? तो वो बढ़ने चाहिए। तो क्या ऐसा कोई सबूत है कि सीवियर केस को जब वो हैंडल करते हैं तो उनके जिंदा रहने के या इंप्रूव क्वालिटी लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े मशीन है, लेकिन क्या वो मशीन आपको, आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं? इफ आई टॉक ऑफ वेंटिलेटर, अगर हम वेंटिलेटर की बात करें तो लगता है कि उनके पास तो वेंटिलेटर है। अरे वेंटिलेटर है लेकिन एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस ये कहता है, वेरी क्लियर कट एविडेंसेस, कि जो लोग वेंटिलेटर में जाते हैं वो 98% लोग वापस नहीं आते, वो वेंटिलेटर से ही ऊपर चले जाते हैं, और जो 2% लोग आते हैं वो 3-4 महीने के लिए घर आते हैं और उनकी लाइफ लाइफ उस 3-4 महीने में इट इज रियली पैथेटिक। सो यहाँ पे ये है कि एक जो मेंटेलिटी है कि चलो माइल्ड एंड मॉडरेट हम कर लेते हैं और सीवियर हम उनको दे देंगे, ये सोच से ही आप खुद ही एज ए आयुर्वेदाचार्य, एज ए नेचुरोपैथ, खुद ही अपने आप को कम आंक रहे हैं। तो जैसे मनीष जी ने बोला कि भाई एमबीबीएस और बीएमएस का फर्क या ये सब चीजें, लेकिन आप तो खुद ही बोल रहे हो कि माइल्ड एंड मॉडरेट हम कर लेंगे और सीवियर उनको दे देंगे। इसका बेसिस क्या है, क्यों आपको लगता है कि सीवियर वो देंगे, उनको दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेंगे? अच्छा देखिए, वी आर नॉट गॉड, ना तो वो ना हम, लेकिन हम उनको तभी दे सकते हैं जब आपको आपको ये विश्वास हो कि वो हमसे अच्छा काम कर सकते हैं, वहां जाने से उनके चांसेस ऑफ लिविंग इज बेटर, उनके जिंदा रहने या उनके ऊपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे पास। अच्छा अगर हमारे पास रहेंगे तो कोई सबूत है कि हम उनको जिंदा रख पाएंगे? मैं उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे एक दो सबूत दूंगा, उसके बाद आई क्लोज माई दिस लेक्चर। एंड वो ये कि अगर अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मिलके एक प्रोटोकॉल जो तैयार किया, लेटेस्ट प्रोटोकॉल तैयार किया, पिछले महीने उन्होंने रिलीज किया कि सीवियर केस किसको मानते हैं, कोविड के पेशेंट को या सो कॉल्ड कोविड के पेशेंट में सीवियरिटी किसको मानते हैं जो सीधा आईसीयू के लिए एलिजिबल है। सीवियर केस उनको मानते हैं, नंबर वन उनको कोमॉर्बिड कंडीशन होने चाहिए, और नंबर टू उनके ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 88% से कम होना चाहिए। ये दोनों केसेस अगर है दैट मीन्स दैट पेशेंट इज फिट फॉर डायरेक्ट आईसीयू एडमिशन, डायरेक्ट आईसीयू, ये है सीवियर केसेस उनको मानते हैं। ये दोनों पैरामीटर अगर कोई फुलफिल करता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पर्सनली, चाहे मेरे जयपुर सेंटर की बात करें, चाहे अहमदनगर सेंटर की बात करें, या फिर हमारे जो 550 नाइस एक्सपर्ट है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट्स, हमारे पास जो ऑनलाइन पेशेंट्स आते हैं जो घर पे ही ट्रीट होते हैं, उनमें से 20% ऐसे ही पेशेंट होते हैं जिनमें यही दोनों फैक्टर होता है। दे आर हैविंग द दे हैड द कोमॉर्बिड कंडीशंस एंड देयर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफन इज लेस देन 88%, और जब तक वो हम तक पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी उनका ब्रेथलेसनेस और ये सारे इश्यूज होते हैं, विच अदरवाइज हैड दे गॉन टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो आईसीयू के लिए फिट थे, यानी कि सीवियर कंडीशन में ही कैटेगराइज करने के लिए फिट थे। सो 20%
पेशेंट दे कम टू, हमारे जितने पेशेंट आते हैं उनमें 20% ऐसे होते ही हैं, वो जो 20% हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। और उनको इंटरेस्टिंग बात है कि उनको हम नेचुरोपैथी से ही ट्रीट करते हैं। नेचुरोपैथी इज व्हाट, आपको बस एक लाइन आपको समझा देता हूँ, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इस तरह से बैठा हूँ, आपकी तरफ झुक के मैं इस तरह बैठ रहा हूँ, राइट। अगर मैं ऐसा बैठूंगा, इस पेशेंट को ऐसे जैसे बिठाऊंगा तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप करता है, उसी पेशेंट को आगे की तरह ऐसे बिठा दिया उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाएगा, इतना सा ही फर्क है। अब इसको आप नेचुरोपैथी बोलेंगे, इसको आयुर्वेद बोलेंगे, इसको इसको मॉडर्न मेडिसिन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये तो बॉडी का एक पोस्चर है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो बॉडी का साइंस है वो किसी पैथी के आधार अधीन नहीं है कि इस पे कब्जा हो गया कि ये जो ये मेथड है ये हमारा है या ये किसी और का। वो मॉडर्न साइंस है, वो हर साइंस है, साइंस साइंस है, ये साइंस पहले भी था आज भी है, राइट। अगर इसको देखें ये किसने ईजाद किया तो वो अपने आप में डिबेट है। तो हम क्या करते हैं या आपको क्या करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन 70% 60% 50% 40% वाले भी आते हैं। 40% मुझे पता है जो आईसीयू में काम करते हैं वो मेरे ये लेक्चर सुनेंगे तो वो या तो हंसेंगे कि इनको पता नहीं 40% क्या होता है, बट सिंसियरली एंड सीरियसली 40% वाले पेशेंट आते हैं। और 40% तक वाले पेशेंट जब आए हैं, इससे नीचे अभी तक आए नहीं, बट हमने कभी भी किसी पेशेंट को डिनाई नहीं किया आज तक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जितने भी सेंटर हैं, कल ही हमारा हिसार में भी एक सेंटर खुला है, 4-5 तारीख को हमारा अकोला में सेंटर खुल रहा है। और पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है कि पेशेंट अगर आएगा तो हम डिनाई नहीं करेंगे। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी पेशेंट को पहले देखते नहीं, भाई यहाँ नहीं हो सकता, रेफर कर देते हैं, बट वी नेवर रेफर। और उसके बावजूद 40% तक पेशेंट ने लिया और उसको पॉस्चर चेंज करा के, द मोमेंट वी उसकी सिटिंग पॉस्चर चेंज कराते हैं, प्रोन वेंटिलेशन कराते हैं और फैन उसकी आंखों नाक के आगे लगाते हैं, और एक घंटे के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से मैजिकली उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है। लेकिन अब क्या है कि ये जो दो साइंस है, दोनों साइंस को छुपा दो, अब बोलो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, अब बोलो कि अब वेंटिलेटर की जरूरत है, तो ये साइंस नहीं हुआ, ये व्यापार हुआ, ये बिजनेस हुआ। तो यहाँ करना क्या होगा, करना बस यही होगा आपको कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप वहीं जाएं जो एविडेंस दे, जो सबूत दे। मैं तो सबूत दे रहा हूँ कि आप हमारे अहमदनगर सेंटर जाइए, जयपुर सेंटर जाइए, हिसार सेंटर कल ही खुला है, राइट। और गाजीपुर बॉर्डर में हमारा कैंप लगा हुआ है 2 महीने से, वहां जब से कैंप लगा है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बोलते हैं कि वी आर फॉर्चुनेट, तब से उस गाजीपुर एटलीस्ट देयर इज नो डेथ। अदरवाइज आप देख रहे थे कि हर दिन बॉर्डर पे बैठे किसानों में से कोई ना कोई की डेथ हो ही रही थी। तो बहुत सिंपल सिंपल बॉडी का साइंस है, उस साइंस को अगर आप समझ लेंगे तो क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज भी अक्सर आप हैंडल कर लेंगे। तो वो साइंस is there in the body, for that we don't need big machines. ये दिखाने के लिए वो ना तो वेंटिलेटर की जरूरत है, बल्कि वो वेंटिलेटर से वन मोर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी। तो आपको अवेयर होना है, जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप माने, आप सारे एविडेंस लें, चाहे मैं हूँ, चाहे आचार्य मनीष है, चाहे डॉक्टर अमर सिंह आजाद है, चाहे नीसा का प्लेटफॉर्म है, या एलोपैथी है, या आयुर्वेद है, आप पहले एविडेंस लें, एविडेंस को माने। फिलहाल जो जितनी सारी चीजें मैंने बताई उसके एविडेंस यहाँ से ले सकते हैं, या फिर उसके एविडेंस इस बुक से, अगर वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सारी बुक्स फ्री डाउनलोड है bishroop.com में। मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद आप बेटर जजमेंट कर सकते हैं कि जब भी आपको इलाज करना है तो कौन से वाला इलाज करना है। तो दोस्तों, सुना आपने डॉक्टर बिश्रूप राय चौधरी को, एविडेंस कोई नहीं है एलोपैथी के पास जो ये साबित कर दे कि जो सीवियर पेशेंट है, जो कि सीरियस पेशेंट है, उसको वो 100% ठीक ही कर देंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें, अब समय आ गया है कि सोचना शुरू करें कि क्या सही और क्या गलत है। ये जो हमारी एलोपैथी में भागने की दौड़ है, उस दौड़ की वजह से ही आज ये नौबत आ गई है कि इस धरती पर कोई इंसान स्वस्थ नहीं बचा। तो कम से कम हम लोगों ने अपनी जिंदगी जैसे गुजारी, लेकिन कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह के चुंगल से मुक्त करें ताकि वो एलोपैथी के जाल में ना फंसे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, मेरा फेसबुक पेज मानस समर्थ उसको फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहां पर मिल सके। जल्दी मिलता हूं, तब तक आप ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, नमस्कार।